गुड मॉर्निंग। चलो फिर से आई हूँ मैं तुम्हारे सामने अनुपमा लाभे, और अपना सब्जेक्ट कौन सा? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोगों ने अभी सेकेंड यूनिट जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज होगी तो मेरे पहले के पूरे वीडियोज देखिए, आपका सिलेबस देखिए, क्या नहीं समझ में आया वो फिर से पूछिए, मैं उसके ऊपर अपने आप जाने वाली नहीं हूँ। आपको इसके लिए सबसे पहले वीडियोस देखना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वी हैव स्टार्टेड विथ आवर सेकेंड यूनिट एंड ऑलरेडी आई डिफाइन यू व्हाट इज प्रोडक्शन एंड व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के एलिमेंट, वो आज हम लोग देखने वाले। जैसे कि हमें पता है व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, that is the combination of input to output, it is a functional relationship between the input to the output. Chalo dekhte hain aaj abhi fir se kya hai. The functional relationship between input and consequent changes in output depends on the time element. Kya hai ye, kiske upar depend karta hai ye? Time element ke upar. Kya time element pe? Functional relationship, jaise ki maine aapko jo functional relationship batayi thi to kuch variable items bataye the, यानी जो इनपुट्स है वो वेरिएबल और कोई इनपुट्स जो थे वो कांस्टेंट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से पीरियड का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो टाइम एलिमेंट है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टाइम पीरियड्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट रन पीरियड है या लॉन्ग रन पीरियड है, उसके ऊपर फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट से टोटली डिपेंडेंट। दिस टाइम एलिमेंट कंसिडर्ड हियर इज द फंक्शनल और ऑपरेशनल टाइम पीरियड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल और ऑपरेशनल टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है शॉर्ट रन और क्या होता है लॉन्ग रन। फिर से मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ, क्या है एलिमेंट्स किसके ऊपर है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन आउटपुट डिपेंड्स ऑन द टाइम एलिमेंट। इनपुट और जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइम एलिमेंट। यानी आप किस तरह के इनपुट दोगे और किस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा, इससे किसके ऊपर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, कौन से पीरियड के लिए आप उसे कंसिडर कर रहे हैं वो, और वो पीरियड कौन सा है, शॉर्ट रन है और लॉन्ग रन है। ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा व्हेन वी डिस्कस व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड टू शॉर्ट रन एंड प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड विथ लॉन्ग रन। क्या क्यों ये डिपेंडेंट होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये अब हम लोग देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन? द टर्म शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच द इनपुट्स ऑफ सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी वेराइड। क्या होता है शॉर्ट रन में, यू कैन नॉट वेराइड और यू कैन नॉट चेंज सम इनपुट्स इन शॉर्ट रन। क्या होते हैं ऐसे इनपुट्स है जो आप शॉर्ट रन में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए उसे हम लोग कहते हैं फिक्स एलिमेंट या कॉन्स्टेंट एलिमेंट। चलो आगे देखिए क्या बताया है, कैन नॉट बी वेराइड। फैक्टर्स विच कैन नॉट बी अल्टर्ड इन शॉर्ट रन आर कॉल्ड फिक्स फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर्स जिसे हम शॉर्ट रन में बिल्कुल भी अल्टर या चेंज नहीं कर सकते, उसे हम लोग इन जनरल टर्म्स बोलते हैं फिक्स टर्म्स। देखिए क्या है ये फिक्स्ड फैक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ये डिपेंड करता है कि आप किसको फिक्स बोल रहे हो और किसको वेरिएबल कह रहे हो। जैसे कि शॉर्ट रन दी है, यू कैन नॉट चेंज योर कैपिटल, यू कैन नॉट चेंज योर मशीन्स। दैट मीन्स क्या क्या होता है उसमें, मशीन आती है, कई बार तो हम लोग मटेरियल को भी कहेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट पीरियड है इसलिए मटेरियल की भी क्वांटिटी आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है आप कहते हो कि हम लोग उसे भी चेंज नहीं कर सकते, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड होगा तो आप कहोगे कि लेबरर्स को की इनपुट भी हम लोग चेंज नहीं करते। तो ये जो शॉर्ट रन है उसमें ज़्यादातर फैक्टर्स जो रहते हैं कॉन्स्टेंट, या है जिसे हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। तो इस वजह से जब हम लोग शॉर्ट रन में ये फंक्शनल रिलेशनशिप देखते हैं, कौन सी फंक्शनल रिलेशनशिप, इनपुट टू आउटपुट, ये कैसी होती है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अभी लॉन्ग रन में क्या है।
The term long run is defined as a period of time long enough to permit variations by a form. क्या है long run में? You can change each and every factor of production. क्या होता है if you think that the available land is not sufficient for producing the products, then you can purchase more land and you can increase your output. बराबर है, यानी जैसे हमने शॉर्ट रन में देखा था कि इतना कम पीरियड रहता है कि ईच एंड एवरीथिंग क्या कह सकते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहती है. यू कैन नॉट मेक चेंजेस और यू कैन नॉट अल्टर द इनपुट्स इन शॉर्ट रन. लेकिन लॉन्ग रन ये ऐसा पीरियड रहता है ईच एंड एवरीथिंग यू कैन अल्टर, यू कैन चेंज. अगर आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी अब्सोलेट हो गई है तो यू कैन चेंज द टेक्नोलॉजी एंड यू कैन अडॉप्ट द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड इन सच वे यू कैन इंक्रीज योर आउटपुट. बराबर है, तो इनपुट के जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यू कैन अल्टर एंड दैट्स वाई यू कैन इंक्रीज योर आउटपुट इन लॉन्ग रन पीरियड. तो ये लॉन्ग रन पीरियड क्या है? द टर्म लॉन्ग रन इज डिफाइंड एज ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग इनफ, यानी ये आपको इतना वक्त देता है टू परमिट वेरिएशन इन द इनपुट्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन करने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें होती है. क्या क्या होती है? अगर इन द्रव्य हम लोग के हैं तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ये क्या है? हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. इसमें आप किसी में भी, जैसे लैंड हम लोग कह रहे थे शॉर्ट रन में कि फिक्स्ड है, हम लोग टेक्नोलॉजी कह रहे थे कि फिक्स्ड है, बराबर है. लेकिन ये इसमें ना तो लैंड फिक्स्ड है ना तो टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है. जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स आती है या इफ़ यू वांट कि ये टेक्नोलॉजी अब हमारे काम की नहीं है तो यू कैन अडॉप्ट और यू कैन टेक द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट्स. ठीक है, देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. शॉर्ट रन में हमने क्या देखा था कि आप ईच एंड एवरी आइटम यू कैन डिफ्रेंशिएट दैट दिस इज अ वेरिएबल फैक्टर एंड दिस इज अ फिक्स्ड फैक्टर. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ लॉन्ग रन पीरियड देर इज नो सच डिस्टिंक्शन बिकॉज ईच एंड एवरी थिंग कैन बी अल्टर्ड और ईच एंड एवरी थिंग कैन बी चेंज्ड. बराबर है, इसलिए हम लोग कोई यही नहीं करेंगे. जैसे कि समझ लीजिए कि आपका जो ये है आपको सजेस्ट करने वाले हैं कि हाउ यू विल इंक्रीज योर प्रोडक्ट, वो कह रहा है कि ये जो हमारी लैंड है ना दिस इज़ नॉट सफिशियंट टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स, और वो कह रहा है कि दिस मशीनरी इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा प्रोडक्शन वो करे एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर नॉट गिविंग मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है, या वो कह सकते हैं कि हमारी कंपनी मैक्सिमम आउटपुट इसी वजह से नहीं आ रहा है कि क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ख़राब है, या वो ये भी बता रहा है कि नहीं हमारे पास अवेलेबल स्पेस जो है वो कम है, हमारे यहाँ पे स्किल लेबरर्स कम हैं, इसके वजह से हमारा आउटपुट जो है वो अच्छा नहीं है. तो लेकिन ये फिक्स है ऐसा वो लॉन्ग रन में नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये रीज़न के वजह से आपके आउटपुट में इंक्रीज नहीं हो रही है तो यू कैन चेंज ईच एंड एवरी आइटम. बराबर है, इसलिए लॉन्ग रन और शॉर्ट रन ये बहुत फ़र्क है. लॉन्ग रन में आपको जो भी चाहिए वो आप अल्टर करो और अकॉर्डिंगली यू कैन इंक्रीज योर आउटपुट. बराबर है, चलो अभी देखते हैं कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है. मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा. देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स इन द लॉन्ग रन एज ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल फैक्टर्स. ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल फैक्टर्स मीन्स ईच एंड एवरी फैक्टर कैन बी अल्टर, कैन बी इंक्रीज और कैन बी चेंज्ड. ठीक है, चलो नाउ लेट अस सी लॉज ऑफ प्रोडक्शन. क्या है लॉज ऑफ प्रोडक्शन? देर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूसिंग वेरियस क्वान्टिटीज ऑफ आउटपुट अंडर डिफरेंट टेक्निकल कंडीशंस. दिस कैन बी स्टडीड एज फॉलोज. देखो जैसे हमें प्रोडक्शन करना है तो देर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स. जब अगर हम लोग लॉन्ग रन की भी बात करें तो इनपुट्स जो आ रहे हैं उसको हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ले सकते हैं. डिफरेंट कॉम्बिनेशन यानी क्या है? जो सब्सटीट्यूटेबल आइटम्स है उसका भी आप कॉम्बिनेशन अलग कर सकते हैं, या जैसे कि आपको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ये है, आप ए को कम कर सकते हैं, बी को ज़्यादा कर सकते हैं, या ए को बी को ज़्यादा करके सी और डी को कम कर सकते हैं. यानी ये जो आपके इनपुट्स है उसकी जो क्वांटिटीज़ है उसमें आप
फर्क करके उसमें आप बदलाव करके आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और अंडर डिफरेंट टेक्निकल कंडीशंस यानी टेक्नोलॉजी भी क्या कर सकते हो आप चेंज कर सकते हो ये कंडीशंस जो है जो डिफरेंट कंडीशंस है उसमें डिफरेंट इनपुट्स को अडॉप्ट करके आप जो कॉम्बिनेशन का यूज करके जिस तरह से आउटपुट दे सकते हो दैट इज नोन एज लॉज ऑफ प्रोडक्शन। चलो एक पहला देखते हैं जिसे हम लोग जनरली कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे यहाँ पे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ देखते हैं कि किसे हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मार्जिनल दैट मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कीपिंग वन और सम फैक्टर्स फिक्स्ड व्हाइल अदर फैक्टर्स आर वेरिंग। चलो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। क्या करा उन्होंने आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कीपिंग वन और सम फैक्टर्स फिक्स्ड। ए या कुछ थोड़े आइटम्स जो है उसे हमें फिक्स रखना है और बाकी हम लोग उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए आता है लैंड का, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड ले लीजिए आप, एग्रीकल्चरल लैंड देखिए समझ लीजिए कि अंडर यूटिलाइज्ड है तो उसमें आप इनपुट्स यानी लेबरर्स को ज़्यादा ले रहे हैं, सीड्स को ज़्यादा ले रहे हो तो आपको किस तरह से मिलेगा उसका आउटपुट कैसे मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वो जो कॉन्स्टेंट है लैंड उसमें आप और इनपुट्स डालने की कोशिश करोगे विदाउट इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड, क्या होगा आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले वो डिमिनिशिंग होंगे। यानी एक पीस ऑफ लैंड की कैपेसिटी होती है कि आप कितना भी इनपुट उसमें डालो लेकिन वो आउटपुट बियॉन्ड दैट लिमिट विल नॉट, यानी वो दे नहीं सकता है। यहाँ पे फिर कौन सा लॉ यूज किया जाए, क्या बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कब होती है, व्हेन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड वन और सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड व्हाइल अदर्स आर वेरिएबल। दूसरा हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्या होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एज इट इंडिकेट्स वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर फैक्टर्स केप्ट कॉन्स्टेंट। क्या होता है यहाँ पे एक फैक्टर जो है उसको वेरिएबल करें यानी उसमें चेंजेस ला सकते हैं और बाकी के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे है कांस्टेंट है, समझ में आए। इसे हम लोग टू वे वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे तब मैं इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन द नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटीज ऑफ एवरी इनपुट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स कैन बी वेराइड टू प्रोड्यूस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट, दिस इज लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्या होता है जैसे कि लॉन्ग रन में हमने क्या देखा है ईच एंड एवरीथिंग कैन बी अल्टर, आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो है इनपुट्स का वो आप चेंज कर सकते हो टू प्रोड्यूस डिफरेंट क्वान्टिटीज ऑफ आउटपुट। आपको जिस तरह से क्वान्टिटीज लानी है, जिस तरह से आउटपुट लाना है उस तरह से आप इनपुट की हर क्वांटिटीज में क्या कर सकते हो चेंजेस ला सकते हैं और इसी को कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। जैसे कि मैंने कहा कि गिवन पीस ऑफ लैंड है लेकिन यहाँ पे क्या है अब और जो यूज लैंड जो है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट, यानी फूड ग्रेन्स ज़्यादा होते हैं लेकिन उसको भी एक है जैसे कि पहले फर्टाइल लैंड यूज़ करते हो तो आपको रिटर्न्स कैसे मिलने वाले हैं ज़्यादा, लेकिन फिर बाद में आप ज़्यादा से ज़्यादा जब लैंड यूटिलाइज करने लगते हो तो हो सकता है कि उसकी जो क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू फर्टाइल सॉइल कैसे होती इन्फेरियर और आप उसमें कितना भी इनपुट डालो तो भी आपको उससे मिलने वाला आउटपुट जो है वो कम रहेगा। उसे क्या कहते हैं वो हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना देखो, अगर नहीं समझा है तो इसके बारे में आप डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू।